हेलो भैया, इनसे मिलिए, ये हैं कुलकर्णी जी। लगते हैं टेढ़े पर हैं बड़े सीधे, बिल्कुल भगवान के बच्चे। इसलिए घर खरीदना था तो पहुंचे सीधे ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर तो भैया ब्रोकर ठहरा, उसने घर बाद में दिखाया, सबने दिखाना पहले शुरू कर दिए। सुपर बिल्टअप, बिल्टअप, कारपेट एरिया और पार्किंग जैसे शब्दों के माया जाल में कुलकर्णी साहब फंस के रह गए। और तो और ब्रोकर ने यह भी कह दिया कि आजकल के टाइम में इतना बड़ा एरिया कौन देगा। मैं तो कहता हूँ अच्छी डील है, फाइनल कर दीजिए। कुलकर्णी जी ने डील तो फाइनल कर दी, पर वहां पहुंचकर पता चला कि उनके सपनों का घर कट पिट कर पिद्दा सा रह गया है, छोटा सा। हाँ, अब ये बालकनी ही देख लो, यहाँ गमले रखने की तो जगह नहीं, आदमी कहाँ खड़ा रहेगा सर पे। और ये बाथरूम से रूम तक जाने वाला पैसेज, अब भैया इसकी क्या जरूरत थी। कुलकर्णी जी ने यहाँ टेबल रखकर देखा, बारिश में छतरी, सर्दियों में स्वेटर, गर्मियों में अंगीठी, कुर्सी, रुमाल भी बिछा कर देख लिया, सब कुछ देख लिया है। यूं लग रहा था जैसे सामान और कुलकर्णी जी के बीच में जंग चल रही, और इस जंग में जाहिर है कुलकर्णी साहब को ही हारना था, तो हार गए। तभी ऊपर से आवाज आई, अरे यहीं तो मार खा गए जनाब, पैसे दिए पूरे घर के पर पूरा घर इस्तेमाल नहीं कर पाते। अरे सोचो, आज घर में कम से कम 54 स्क्वायर फीट एरिया इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर 20,000 प्रति स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के हिसाब से गिने तो 11 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। क्या इसका मतलब कुलकर्णी जी 15 साल तक 15,000 रुपये महीने का EMI भरते भरते बूढ़े हो जाएंगे? और अगर ये रुपए उनके पास होते तो ये लंबी सी गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, किसी अच्छे से क्लब के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते, अरे विदेश के टूर पर जाकर डांस फ्लोर पर ठुमके ठुमके लगाते। हाँ जी, इसलिए तो कहते हैं जनाब कि कारपेट एरिया प्राइस पर मत जाइए अगर ठुमके लगाने हैं तो, लिवेबल एरिया प्राइस अपनाइए। ज्यादा जानने के लिए विजिट कीजिए www.checkyourlap.com। समझ आया? एक बार फिर बोलूं, www.checkyourlap.com।